हेलो दोस्तों, लर्निंग कैट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सारे 2D कमांड सीखे थे और आज की वीडियो में हम बाकी के कमांड सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला कमांड आता है हमारा जॉइंट का। जॉइंट हमारा कर्व को या सरफेस को जॉइंट कर देता है। चलो मैं दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। जैसे कि मैंने दो लाइन बनाई है अलग अलग, इसको हमें जॉइंट करना है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और जॉइंट पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा जॉइंट हो चुका है। अब सेकेंड कमांड है हमारा एक्सप्लोर का। एक्सप्लोर मतलब जॉइंट किए हुए सरफेस को या कर्व को दोबारा से तोड़ देता है। हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एक्सप्लोर पर राइट क्लिक कर देंगे और ये हमारा एक्सप्लोर हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड आता है हमारा ट्रिम का। मैं कमांड यूज़ करने के मैं दिखा देता हूँ किस तरह से ट्रिम यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ट्रिम कमांड को सिलेक्ट करेंगे और जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें ट्रिम करना है उसे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट कमांड आता है हमारा स्पिल्ट का। दोस्तों स्पिल्ट कमांड ट्रिम की तरह यूज़ होता है। ट्रिम में जैसे कि डिलीट कर देता है लाइन को, स्पिल्ट में काट देता है सिर्फ। मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि हमें इस लाइन को स्पिल्ट करना है। स्पिल्ट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को काटना है फर्स्ट उसे सिलेक्ट करेंगे और जिस ऑब्जेक्ट से काटना है सेकेंड में उसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए हमारा स्पिल्ट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड आता है ग्रुप का। दोस्तों ग्रुप करने के लिए मैं कुछ और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। दोस्तों मैंने इतनी सारी ये लाइन बना दी है, ये बाकी सारी लाइनें अलग अलग है। अगर इसे हम ग्रुप करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट सारे ग्रुप हो जाएंगे। पहले ये अलग अलग थे, अब ये ग्रुप हो चुके हैं। और इसके बाद वाला कमांड है अनग्रुप का। अनग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप ऑब्जेक्ट को अनग्रुप कर देगा, ये एंटर कर देंगे। नेक्स्ट कमांड है हमारा पॉइंट्स ऑन का। दोस्तों ये दोनों कमांड बिल्कुल सेम है तो हम ये वाला कमांड यूज़ करेंगे। हमें हमेशा ये वाला कमांड यूज़ करना है तो मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। पहले हम कुछ कर्विंग बना लेंगे आड़ी टेढ़ी सी। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर पॉइंट्स ऑन कमांड को सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑन कमांड से हम कर्विंग को और स्मूथ करते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा है टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कमांड को लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये हमारा कमांड ओपन हो जाएगा और जो भी हमें लिखना है उसे हम टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करियर पॉइंट लिख देता हूँ। और जिस भी स्टाइल में हमें चाहिए उसे हम क्लिक कर देंगे। ये हैंडराइटिंग के इतने सारे स्टाइल हैं, हम जो मर्जी पिक कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर स्टाइल मिलेंगे। चलो मैं ये वाला स्टाइल पिक करता हूँ। अगर आपको कर्विंग में चाहिए तो कर्व में टिक कर देना है, अगर सरफेस में चाहिए तो सरफेस में टिक कर देना है, अगर आपको सॉलिड में चाहिए तो सॉलिड में टिक कर देना है। उसके बाद हाइट कितनी चाहिए आपको, हाइट 10 मिलीमीटर्स और सॉलिड थिकनेस 10 मिलीमीटर्स। बाकी सब ओके है, अगर सब ओके है तो हम ओके कर देंगे। अभी ये हमारा वायर फ्रेम है तो इसलिए हमसे दिखाई नहीं दे रहा, तो शेडेड पे लाने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे और शेडेड पे क्लिक कर देंगे। तो देखो हमारा ये शेडेड हो चुका है। अब नेक्स्ट कमांड हमारा है मूव का। मूव कमांड को सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें मूव करना है और क्लिक करके एंटर करेंगे और जहाँ भी हमें मूव करना है इस ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे। नेक्स्ट कमांड है कॉपी का। कॉपी कमांड बिल्कुल मूव की तरह है। मूव में हमने इसको उठा के इस साइड रख दिया था तो कॉपी में इसको उठा के इस साइड रखेंगे, बट ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी रहेगा। नेक्स्ट कमांड है रोटेट का। रोटेट दो टाइप के होते हैं, रोटेट 2D और रोटेट 3D।
दोस्तों रोटेट 2D करने के लिए लेफ्ट क्लिक करेंगे और रोटेट 3D करने के लिए राइट क्लिक करेंगे। तो हम रोटेट 2D करेंगे तो लेफ्ट क्लिक करेंगे हम, और जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। और हमें पॉइंट लेना है जहाँ से हमें रोटेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ से रोटेट करना है तो हम ऑल्ट दबाकर पॉइंट पकड़ लेंगे और क्लिक करके रोटेट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम रोटेट करेंगे। दोस्तों रोटेट 3D प्रोस्पेक्टिव व्यू में यूज़ होता है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट कमांड है हमारा स्केल का। स्केल दोस्तों 3 तरह के होते हैं, स्केल 1D, स्केल 2D, स्केल 3D। फिलहाल हम स्केल 2D करेंगे, तो स्केल 2D करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें स्केल करना है और पॉइंट पकड़ेंगे जहाँ से हमें स्केल करना है इसे, और ये स्केल हो जाएगा इस तरह से, छोटा हो जाएगा। इसकी हमें इसे सबको स्केल करना है, पॉइंट पकड़ेंगे और स्केल करेंगे। दोस्तों ये देखो छोटा हो गया, और छोटा करना है, और छोटा करेंगे, बिल्कुल छोटा सा हो गया ये, जूम करके देखेंगे, और इसको हमें बड़ा करना है, बहुत बड़ा हो गया। जैसे कि हमें स्केल करना है, उसको स्केल हो गया। अब हम सी को स्केल करेंगे तो सी बड़ा हो गया। दोस्तों जो बेसिक कमांड थे लगभग मैंने बता दिया है, और बाकी के कमांड मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा। अगर अभी आपको सारे बता दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो सीखोगे तो स्टेप बाय स्टेप सीखो, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं आगे भी वीडियो बनाता जाऊंगा। अगर आपको करियर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।